हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेजबल दुनिया चैनल में। अमीर होना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप कितना अमीर होना चाहते हैं, तो क्या आपका जवाब होगा? कोई कहेगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, कोई कहेगा 10 करोड़ रुपए हो, तो कोई 50 करोड़ का मालिक बनना चाहेगा। लेकिन क्या आपने कभी अपने राज्य या देश का सबसे अमीर इंसान बनने का सपना देखा है? और क्या आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं? जाहिर है इसके लिए आपको पहले यह जानना होगा कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे 10 अमीर लोग कौन है और उनके पास कितना पैसा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को जरूर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है। सपोर्ट देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में 10वें नंबर पर है स्टीव बॉलमर। स्टीव बॉलमर ने 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ की भूमिका निभाई। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी यात्रा 1980 में शुरू हुई, जब वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए से बाहर निकलने के बाद कंपनी के 30वें कर्मचारी के रूप में शामिल हुए। उसी वर्ष जब बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट से सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने लॉस एंजलिस क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम को 2 बिलियन में खरीद कर सुर्खियाँ बटोरी, जिसने उस समय एनबीए टीम के लिए भुगतान की गई उच्चतम कीमत के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। स्टीव बॉलमर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, इनकी कुल संपत्ति $97.1 बिलियन है। 9वें नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग। मेटा प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में अपने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की शुरुआत की थी, जब वह केवल 19 वर्ष के थे। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान के छात्र थे। फेसबुक कैंपस में छात्रों के नाम को उनकी तस्वीरों के साथ मिलान करने के लिए बनाया गया था। 2006 में फेसबुक एक वैध ईमेल के साथ कम से कम 13 साल के सभी लोगों के लिए खोला गया। मई 2012 में जुकरबर्ग ने कंपनी को सार्वजनिक किया और दिसंबर 2016 तक वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की फोर्ब्स सूची में 10वें स्थान पर थे। वर्तमान में जुकरबर्ग के पास कंपनी के करीब 13% शेयर हैं। 39 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ मार्क जुकरबर्ग ने प्रिंसला चांद से शादी की है और वह 3 बेटियों के पिता है। अपनी पत्नी के साथ वह वर्ष 2100 तक सभी बीमारियों को समाप्त करने, ठीक करने या प्रतिबंध करने के प्रयास में $3 बिलियन खर्च कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से है, इनकी कुल संपत्ति $106.6 बिलियन है। 8वें नंबर पर आते हैं सर्गेई ब्रिन। अपने स्टैनफोर्ड पीएचडी सहयोगी लैरी पेज के साथ सर्गेई ब्रिन ने 1998 में गूगल खोज इंजन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूल रूप से रूस के रहने वाले सर्गेई ब्रिन ने शुरू में गूगल में प्रौद्योगिकी अध्यक्ष का पद संभाला और बाद में विशेष परियोजनाओं की देखरेख करने के लिए संक्रमण किया, जिसमें गूगल ग्लास का विकास शामिल था, जो एक पहनने योग्य उपकरण था जिसमें आवाज सक्रिय स्मार्ट चश्मा था। सर्गेई ब्रिन की कुल संपत्ति $105.9 बिलियन है। 7वें नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। 1987 में फोर्ब्स ने पहली बार बिल गेट्स को अरबपति के रूप में मान्यता दी। 1995 से 2017 तक उन्होंने 2008 में और 2010 से 2013 तक संक्षिप्त अपवादों के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बनाए रखा। 2021 में गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने अपने तलाक को अंतिम रूप दिया, जिसमें मेलिंडा को समझौते के हिस्से के रूप में स्टॉक के कम से कम $6 बिलियन प्राप्त हुए। फोर्ब्स के अनुसार बिल गेट्स की संपत्ति में 1 मई से 1 जून 2023 तक लगभग $500 मिलियन की मामूली वृद्धि हुई, जिससे उन्हें रैंकिंग में एक स्थान चढ़ने और 5वां स्थान हासिल करने की अनुमति मिली। बिल गेट्स की कुल संपत्ति $108 बिलियन है। 6ठे नंबर पर आते हैं लैरी पेज। लैरी पेज और उनके साथी स्टैनफोर्ड पीएचडी छात्र सर्गेई ब्रिन ने 1998 में गूगल की सह स्थापना की। प्रारंभ में पेज ने 2001 तक सीईओ का पद संभाला और बाद में 2011 से 2015 तक भूमिका फिर से शुरू की। वर्तमान में वह गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और एक प्रमुख शेयर धारक के रूप में कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त लैरी पेज ने प्लेनेटरी रिसर्चेज में एक संस्थापक निवेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कंपनी अंतरिक्ष अन्वेषण पर केंद्रित है। लैरी पेज की कुल संपत्ति $110.2 बिलियन है। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में 5वें नंबर पर आते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, जिसे व्यापक रूप से अमोहा के ओरेकल के रूप में पहचाना जाता है,
इतिहास के सबसे कुशल निवेशकों में से एक है। वह बर्कशायर हैथवे के प्रमुख है, जो एक विविध पोर्टफोलियो के साथ एक निवेश समूह है जिसमें बीमा प्रदाता गीको, बैटरी निर्माता ड्यूरासेल और रिस्तरा श्रृंखला डेरी क्वीन जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2010 में वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने गिविंग प्लेज पहल की स्थापना की, जो अरबपतियों से अपनी संपत्ति का कम से कम 50% धर्मार्थ संगठनों को दान देने का आग्रह करता है। अपनी अटूट परोपकारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% दान करने का इरादा व्यक्त किया है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $117 बिलियन है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं लैरी एलिसन। लैरी एलिसन ने 1977 में सॉफ्टवेयर फर्म ओरेकल की स्थापना की और 2014 तक इसके सीईओ का पद संभाला। वर्तमान में वह कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। 2012 में एलिसन ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने $300 मिलियन राशि के लिए लनाई के हवाई द्वीप का अधिग्रहण किया। एलिसन ने टेस्ला में पर्याप्त हिस्सेदारी सहित निवेश में भी कदम रखा, जहां उन्होंने 2018 से 2022 तक निर्देशक मंडल में कार्य किया। लैरी एलिसन की कुल संपत्ति $135.9 बिलियन है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स पावर हाउस अमेजन के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका छोड़ने का फैसला किया, जबकि अभी भी अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। उसी महीने के दौरान उन्होंने ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित एक रॉकेट पर एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की, एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी जिसे उन्होंने स्थापित किया और उदारतापूर्वक अरबों डॉलर के साथ वित्त पोषित किया। जेफ बेजोस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से है, इनकी कुल संपत्ति $150 बिलियन है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मोएट हेनेसी लुई विटन के सीईओ और अध्यक्ष है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी है जिसमें लगभग 70 प्रसिद्ध फैशन और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड शामिल है। इसके पोर्टफोलियो के भीतर उल्लेखनीय नामों में लुई विटन, क्रिश्चियन डॉयर, मोएट एंड चांदोन और सेफोरा शामिल है। जनवरी 2021 में LVMH ने ज्वेलरी टिफनी एंड कंपनी का $15.8 बिलियन में अधिग्रहण पूरा किया। बर्नार्ड अर्नोल्ट के 5 बच्चे विशाल LVMH साम्राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी बेटी डेल्फिन के समूह के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड डायर का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, जो कि फ्रांस से है, इनकी कुल संपत्ति $187.6 बिलियन है। दुनिया की 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स सहित कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ है। वर्तमान में उनके पास टेस्ला में 23% हिस्सेदारी है। उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 2/3 टेस्ला की सफलता से जुड़ा हुआ है। मस्क अक्टूबर 2022 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था। एलन मस्क ने 2010 में टेस्ला को अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए नेतृत्व किया। कंपनी ने 2020 और 2021 के दौरान बाजार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें एलन मस्क सितंबर 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की स्थिति में पहुंच गए। नवंबर 2021 में अपने चरम पर मस्क की संपत्ति $320 बिलियन तक पहुंच गई थी। एलन मस्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से है, इनकी कुल संपत्ति $252.6 बिलियन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपना सपोर्ट इस चैनल को जरूर दें। सपोर्ट देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।